सारा हेल्प कर सकते हैं। लास्ट जो आज का पार्ट हम लेंगे जो कि हमारे फंडिंग से ही रिलेटेड है, ट्रस्ट कैसे चलाए, अच्छी चलाए, बढ़ा कर चलाए, अच्छा काम करे, वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ठीक, अब CSR गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कंपनियों पर, ताकि कंपनियां जो जहां रहती है, चीज़ें बनाती है, तो वो कुछ ना कुछ समाज से और इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से लेती है, तो वो उसको वापस करे, उसको वापस दे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए कहा कि तुम लेते हो तो कुछ उनको दो भी उसके बदले। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कौन सी कंपनी देंगी, तो इसके अंदर याद रखिए वो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड है, वो जो PSU से पब्लिक जो है सेक्टर्स होते हैं, PSU जिसको कहते हैं, ठीक है, वो लोग भी देंगे। याद रखिए जिनका नेट वर्थ मोर देन 500 करोड़ है, या टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़ है, या प्रॉफिट मोर देन 5 करोड़ पर एनम है, ये देंगे CSR अपने इनकम का कितना, 2%। किसी ने मुझे बताया था, ये रिपोर्ट पुरानी है 2-3 साल पहले, कि इंडिया में 27,000 करोड़ निकलता है CSR, और ये CSR की खसूसियत ये एक साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, अगले साल फिर देना है उनको, तो मतलब 27,000 करोड़ का केक एक साथ कटता है हर साल। और जो जेन्युइन NGOs काम कर रही है उनको पता ही नहीं है क्या है, ना वो उसको अप्रोच कर रही है, ना उनके पास जा रही है, ना उनसे बेनिफिट ले रही है, चूंकि लीगैलिटी नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, 12A नहीं है, 80G नहीं है, कम से कम 12A तो बेसिक चीज़ है, 12A नहीं करा, नहीं करे, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एक्टिविटीज़ को सेफगार्ड नहीं करते हैं, एक्टिविटीज़ को जिसको कहते हैं एविडेंस क्रिएट नहीं करते हैं एक्टिविटीज़ करने के, तो फिर प्रॉब्लम होता है। याद रखें तो ये सारी चीज़ें हमको बहरहाल करना है, याद रखें, तो ये लोगों को देना है 2%। याद रखें कंपनी इसको पर्सनली भी स्पेंड कर सकती है लॉ के हिसाब से, और किसी NGO से टाइप करके भी कर सकती है, भाई चलो आपकी NGO बहुत अच्छी, मैं आपके साथ मिलके करता हूँ। औरंगाबाद में कितने बड़े बड़े कंपनियां जो करती है, लेकिन हम लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, चूंकि हम कर नहीं रहे। बहुत से लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो जेन्युइनली समाज के लिए काम नहीं कर रहे, समाज कल्याण के लिए चैरिटेबल वर्क नहीं कर रहे। जो लोग जेन्युइनली कर रहे वो आगे बढ़े, इसका बेनिफिट ले और लोगों को समाज तक पहुंचा इस बेनिफिट को। आइए इसको कहाँ खर्च कर सकते हैं, ये पैसा जो CSR का आपको मिलता है, तो CSR का पैसा कहाँ खर्च कर सकते, तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है कि कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा जनरली हर वो काम जो आप समाज कल्याण नहीं करते सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, समाज कल्याण के लिए मजहबी वगैरह काम नहीं, धार्मिक वो नहीं, सब उसमें इंक्लूडेड है। मेडिकल है, हाइजीन है, हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एजुकेशन है, चाइल्ड है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आप कुछ करें उसके लिए, सैनिटरी के लिए है ना, टॉयलेट्स वगैरह बना के देना, और क्या कुछ, सब कुछ है, हेल्थ हाइजीन एजुकेशन और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री सब कुछ है, आप बहुत सारे बेनिफिट लेते। इसी तरह जो है CSR कंपनियां उन्हीं NGOs को देती है जो एक्सपीरियंस हो, याद रखिए हर किसी को वो नहीं देती है। और रूल 2 जो CSR का है जो डिफाइन करता है कि NGOs किस अपना CSR किस NGOs को देंगी बोलकर, वो रूल डिफाइन करता है कंपनी किस NGO को अपना CSR देंगी। ठीक है, तो लिहाजा आप याद रखिए NGO पुरानी होना और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी तरह रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी इसका फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन उसके पास एटलीस्ट 12A होना ज़रूरी है, 80G नहीं भी रहा तो चलेंगे, लेकिन 12A ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको CSR नहीं देंगे जबकि आपको टैक्स पे कर रहे हैं, वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है उसका, याद रखिए। इसी तरह जब कोई कंपनी आपको CSR देती है तो ये 3 ईयर्स का लास्ट आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है कि आपकी NGO ने क्या किया, तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखिए, एक्टिविटीज़ कीजिए, एविडेंस क्रिएट कीजिए एक्टिविटीज़ के लिए, और वो जो पैसा आ रहा है सही जगह खर्च कीजिए। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने ये समझा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा, कि हम ट्रस्ट हम जो NGO चलाते हैं तो कौन सी NGO रजिस्टर्ड करें, NGO के अंदर फंडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, वो फंडिंग हम कैसे लें, फंडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए 12 और 80G, और उसके अलावा इंटरनेशनल फंडिंग के लिए हम जो है FCRA लें, और लोकल फंडिंग जो कॉरपोरेट्स देते हैं कंपनीज देती है उनको टैप करने के लिए या प्रोजेक्ट्स बनाकर उनको बताने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स है कि आप 3 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखिए, और आप 12 और 80G आपके पास हो तो आपको कंपनीज आगे बढ़ के फिर CSR भी देती है। तो ये वो थोड़ी सी बातें थी जो मैंने ये समझी कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, जो लोग ट्रस्ट चला रहे हैं और जो ख़ास तौर से ये समाज कल्याण के लिए और दिल से जिसको मैं कहूँगा काम करते हैं कि समाज में कुछ हो। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग इतनी कोशिश करते हैं लेकिन लीगैलिटीज़ पेपर वर्क कम सोचते नहीं, सालों साल गुजार देते हैं, कोई लीगैलिटी नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। कभी तो ऐसा होता है हमारी संस्था है, हमने मेहनत की लेकिन कोई और चला जाता है, मैंने कई बार देखा कि एक संस्था आपने की मेहनत की लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से हुआ उसका, क्यों, तो वो आप लेट हो गए,
या आपके लोगों में से कुछ लोगों ने सुन के उन्होंने वो काम पहले ही कर दिया आपसे, अब आप जा रहे तो बोल रहे तो पहले से हो गया, फिर आप परेशान और फिर ये और फिर वो और बहुत सारी चीज़ें होती। तो जल्दी करें, लीगल करें, लीगली सब कुछ किया जा सकता है, गवर्नमेंट एड और ग्रांट लेकर करें, हेल्प के साथ करें, छोटी चैरिटी को बड़ा करें, अच्छे नीयत से, अच्छे इंटेंशन से, अच्छी भावनाओं के साथ काम करें और समाज कल्याण के लिए, सोशल वर्क जिसको हम कहते हैं, पब्लिक बेनिफिट के लिए खूब काम करें, ताकि गवर्नमेंट तो अपने काम करती है लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उनको चैनल पार्टनर्स मिले, जो लोग ये संस्था के थ्रू उनसे मिले और उनके स्कीम्स को जो समाज कल्याण के लिए उसको लेकर आगे बढ़े, हम लोग भी उसका पार्ट बने और लेकर आगे बढ़े, ताकि वो लोगों तक जो समाज के बिछड़े हुए वर्ग है जिन तक बात चीज़ें नहीं पहुंचती, ये चैनल के थ्रू सोसाइटी के थ्रू हम समाज कल्याण के लिए भरल आगे बढ़ सके। मैं अपनी बात को भरल। अस्सलामुअलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।